अरे तानी रुको, कहाँ जा रहे हो? ये तो बताओ कि सीन क्या है। चले आप सब कमेंट में ये बताएं कि तानी अपना सूटकेस लेके कहाँ जा रहा है, और ये जानने के लिए कि क्या हमें साथ लेके गया है या नहीं, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। फॉर नाउ लेट्स स्पेंड 48 आवर्स इन इस्लामाबाद। हम लोग आ गए हैं इस्लामाबाद, फुल सिस्टम चल रहा है। Get lucky, you get Malai with it. Oh, Abraj. It means you love them. वाकई में एक अनमोल विरसा हमारे पास है। ये पाकिस्तान बनने से पहले और मजा आता अगर रोकड़ा किसी और का होता। हम लोग इस टाइम पे हैं लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे, और ये जो यहाँ के नज़ारे हैं बहुत ही दिलकश, बहुत ही फिट किस्म के नज़ारे हैं। हम लोग बिल्कुल इस टाइम पे चढ़ाई पर हैं, और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रक की स्पीड बिल्कुल स्लो हुई हुई है, क्योंकि चढ़ाई जो है वो अच्छी खासी है। ओह गॉड, और बस यूं ही बातें करते हुए हंसी खुशी हम लोग पहुंच गए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। सो गाइस, एज यू कैन सी हमारे सामने है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद हमारे सामने है, और हम लाहौर से जा रहे हैं। पहाड़ हमारे सामने, इस्लामाबाद अभी थोड़ा सा दूर है। हाँ तो बच्ची को पता नहीं है, पहली दफा घूमने। हम लोग कहाँ मौजूद हैं? हम लोग हैं इस्लामाबाद में, और जिस जगह हम लोग ठहरे हुए हैं, इस जगह का नाम है कार्नेशन स्वीट्स। कार्नेशन स्वीट्स इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में है। बिफोर आई केम हियर मुझे नहीं पता था ये एरिया कौन सा है, लेकिन ब्लू एरिया एक्चुअली लाइक सेंट्रल एरिया है, बहुत सेंट्रल एरिया है। तो जिन्ना सुपर मार्केट जो यहाँ से 2 या 3 मिनट दूर है, आप पारा मार्केट जो है वो यहाँ से बहुत करीब है, सेवर फूड्स डाउन द रोड यहाँ से मुश्किल से 3 या 4 मिनट दूर है, और वहाँ हमने सबसे पहले जब हम लोग लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे थे तो वहाँ जाके हमने पुलाव और कबाब फोड़ा था। इट्स सो 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 अफोर्डेबल, हमेशा पैक होता है, और हाईली रिकमेंड करूँगी उनकी मिंट मार्गरिटा। हाँ, बेहतरीन और टिकाऊ सस्ता खाना। सो गुड। हरा भरा, पहाड़ों से घिरा, साफ सुथरा हमारा अपना शहर इस्लामाबाद। अगर 2 लफ्जों में इसको बयान करना हो तो पुरसकून शहर कहना इसको गलत नहीं होगा। तो हम लोग आ गए हैं इस्लामाबाद, और अगर आप लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं और फैसल मस्जिद नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। उतना ही ज़रूरी है जितना एक इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है। तो इस टाइम पर हमारे सामने मौजूद है फैसल मस्जिद। अच्छा एक बात बताऊँ, फैसल मस्जिद वाज एक्चुअली फंडेड बाय सऊदी किंग फैसल, जिसके पीछे इसका नाम रखा गया है फैसल मस्जिद। एंड सऊदी किंग फैसल एक्चुअली सिलेक्टेड अ टर्किश आर्किटेक्ट, और उस टर्किश आर्किटेक्ट ने क्या खूबसूरती से बनाई ये मस्जिद। इतनी यूनिक मस्जिद आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और मेरे ख्याल से ये कंस्ट्रक्ट हुई थी 1976 में, और दुनिया की मेरे ख्याल से 5वें नंबर पर आती है सबसे बड़ी मस्जिद में ये। जब ये तामीर हुई थी उस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, लेकिन उसके बाद दीगर ममालिक में जो है डिफरेंट मॉस्क्स बनी थी, उसके बाद ये 5वें नंबर पर आ गई थी। और एक और बात बताऊँ कि इट्स नॉट एक्चुअली सपोर्टेड बाय एनी लाइक पिलर्स, ये एक्चुअल 8 डिफरेंट शेल्टर्स बनाए गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, हम एक्चुअली उसके सामने खड़े हैं, मतलब वो उसको सपोर्ट करें, और बीच में एक चांद बना हुआ है विच इज़ सो यूनिक, आपको कहीं नहीं दुनिया में मिलेगी। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े एरिया पे जो है मस्जिद फैली हुई है। पीछे ये पूरा जो है ये इसका सहन है, अहाता है, और नीचे भी पूरा उन्होंने जो है वहाँ पे फवारे बने हुए हैं, वजू खाना बना हुआ है। हम सब डर के भाग रहे थे, एंड दिस किड इज फीडिंग हिम चिप्स। अकबर।
ऊपर जा रहे थे बर्गिला हिल्स की तरफ और हमें रास्ते में मिल गया कोकोनट वाटर. तो वी रिक्वेस्टेड हिम टू गिव अस लाइक रियली स्वीट कोकोनट वाटर. इतनी गर्मी है इस वक्त, आई थिंक इट्स 35 डिग्रीज और समथिंग. कोकोनट वाटर ज़रूरी है. तो ठंडा मीठा डिलिशियस बिलाल का कोकोनट वाटर पियो. Refreshing it. Refreshing and delicious. And you get some malai with it. If you get lucky, you get malai with it. So guys, Manal restaurant बिल्कुल सामने है. अभी व्यू तो मैं आपको दिखाती हूँ खूबसूरत इस्लामाबाद का, लेकिन ये देखें. हाँ तो मुनाल रेस्टोरेंट तो हम लोग साथ खैरियत से पहुंच गए जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, लेकिन खाने के साथ अगर इस तरह के व्यूज हों जहाँ पे आप बैठ के खाना खा रहे हो या खाना नोश फरमा रहे हो, तो भाई चार चांद लग जाते हैं खाने को. क्या व्यूज हैं, क्या नज़ारे हैं, हरियाली ही हरियाली है. धूप तलक आप देखो तो मतलब खामोशी ही खामोशी है, सन्नाटा ही सन्नाटा. क्या मस्त, क्या माहौल है यार, मतलब मज़ा आ रहा है कसम खुदा की. टिक्के खाने से ज़्यादा मज़ा तो मुझे ये फ्रेश आबो हवा यहाँ पे, फुल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हर चीज़ है भाई, मतलब फुल सिस्टम चल रहा है. आ जाओ तुम लोग जल्दी से यहाँ. So this is my iced coffee. We have tikka and reshmi kebab and we have a lot of other things. But this is what I really, really want. Hey baby. Are you having fun? Inaya is enjoying the view with her daddy. दादू अपनी इल्लू की गोद में है. क्या हुआ इनाया, नखरे हैं. इनाया क्या हुआ है, हमने ले लिया है नींबू पानी और अब इनाया के लिए लेनी है आइसक्रीम. आर यू रेडी फॉर आइस? सो हम कहाँ हैं इस वक्त? तो मुनाल रेस्टोरेंट से जब आप फारिग हो जाएं और नीचे इस्लामाबाद की तरफ वापस लौटने लगें तो दामने को आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा फिट किस्म का, ये देख रहे हैं ये सारे स्टॉल्स बने हुए हैं. चाट मिलेगी यहाँ पे, पानी पूरी मिलेगी आपको, लेमन सोडा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, चिप्स मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर शय मिलेगी यहाँ पे. और क्या मतलब खूबसूरत सी यहाँ पे चहल पहल है, लोग आए हुए हैं, बच्चे हैं, सब खुश हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, इनाया भी खुश है. तो अभी हमने यहाँ से चाट ली है, उसके बाद लेमन सोडा लिया है, थोड़ा सा घूमेंगे इनाया को. यहाँ पे बच्चों के लिए झूलों का इंतजाम भी किया हुआ है, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं और फैमिली के साथ हैं तो आप यहाँ पर बच्चों को बिठा सकते हैं झूलों पर. और ये करने के बाद हम लोग वापस इस्लामाबाद की तरफ गामजन होंगे. तो देखें, व्यू चेक करें. तो अब खाने का वक्त आया है भुट्टा. और भाई आपका नाम क्या है? इकबाल. अबरार भाई यहाँ पे रेडी है मकई और चनों की, और यहाँ पे भुट्टे भी हैं. अब ये दिखाना जरूरी है कि ये है क्या, गर्मा गर्म भुट्टा भून रहे हैं. अच्छा ये इसमें है क्या क्या? नमक मिर्चें. अच्छा इसमें क्या क्या होता है? नमक है सिर्फ, लेकिन कुछ और भी तो है. नहीं ये गर्म है इस तरह. नीचे दिस फायर ऑब्वियसली. या तो ये कौन जो होते, ये सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है. हेलो से शादी करोगी? टिंग 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 टिंग. व्हाई इज शी डांसिंग? थैंक यू पापा. Oh.
मोइनिंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम. हमारा ये है दूसरा दिन इस्लामाबाद में. एज वी मेंशन, हम कार्नेशन स्वीट्स में रह रहे हैं एंड आई लव देयर ब्रेकफास्ट. आपकी रिक्वेस्ट पे वो कोई भी ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, विच इज़ प्रीटी अमेजिंग. और देसी ब्रेकफास्ट इन पाकिस्तान तो मस्त है, तो हम खा रहे हैं पराठा, अंडा और चाय नीली, मक्खन भी उसके साथ. हाँ, देसी ब्लू बर्ड मक्खन. विजिटिंग सैदपुर विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम मेड मी रियलाइज कि वाकई में दुनिया में एक ऐसा वक्त भी था वेयर ह्यूमैनिटी वाज अबव रिलीजन. सब लोग साथ मिलके रह रहे हैं और खुशी हंसी रह रहे हैं. एंड दिस मेड मी थिंक हमें जिस सबक को पढ़ने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है वो इंसानियत है. तो खुश आमदेद इस्लामाबाद से. और आज हम लोग जिस जगह आए हुए हैं उस जगह का नाम है सैदपुर विलेज. तो सैदपुर विलेज के बारे में कुछ अहम चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है. सैदपुर विलेज इज़ लाइक अ हिडन जेम ऑफ इस्लामाबाद. अगर आप इस्लामाबाद में होंगे आपको लगेगा नहीं कि ऐसी इतनी हिस्टोरिकल इतनी प्यारी जगह यहाँ पर होगी जो बिल्कुल डेटेड बैक होगी, लेकिन ये जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन ढूंढनी पड़ती है. इट वाज एक्चुअली वेरी क्लोज टू वेयर वी वर स्टेइंग. हाँ, हम लोग ब्लू एरिया में रुके हुए हैं तो वहाँ से तकरीबन 8 या 10 मिनट दूर थी ये जगह. और इधर जो है सैदपुर विलेज में 2 टेम्पल हैं. एक जो है हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये गुरुद्वारा है, और एक हमारे आगे है बिल्कुल सामने बना हुआ है वो हिंदू टेंपल है जिसको गिरजाघर कहते हैं. Then there is a Sikh temple. Like it's not a temple which is active right now. इधर लोग देखने आते हैं. It's just one of those preserved places. One of the only temples left in Pakistan. बिल्कुल. और कुछ यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका ये भी कहना है कि ये अकबर के दौर में बना था, जो कि तकरीबन 400-500 साल पुरानी बात है. तो पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी सदाकत है, लेकिन अगर ऐसा है तो मतलब ये वाकई में एक अनमोल विरसा हमारे पास है, कल्चरल हेरिटेज है, और हमने इसकी वाकई में सही मायनों में कदर की भी है. वहाँ हमें गाड़ी में बता रहे थे कि लाइक 60-70 ईयर्स बैक जब वो लोग इस्लामाबाद में रहते थे, दैट्स व्हेन दे सॉ दिस प्लेस एक्चुअली बीइंग बिल्ट एंड यू नो मेड लाइक दिस. सो इट्स एक्चुअली समवेयर रियली नाइस टू कम. अगर आप आ रहे हैं इस्लामाबाद, ये एक ट्रू हिडन जेम है, आपको सर्च करना पड़ेगा सैदपुर विलेज. इधर आए. और इसके अलावा यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये जो पूरा गुरुद्वारा और जो ये गिरजाघर जो है इन्होंने बनाया है, ये बनाने की सबसे बड़ी अलामत ये थी कि यहाँ पे जो सिख भाई रहते थे, जो हिंदू रहते थे और मुसलमान रहते थे, वो आपस में यूनिटी के साथ, भाईचारे के साथ मुस्तहकम तौर पर यहाँ पे रहें. और यहाँ पे करीब में मस्जिद भी थी, तो सब यहाँ पे मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते थे और एक दूसरे में प्यार और मोहब्बत बांटते थे. यह पाकिस्तान बनने से पहले इस गांव में सिर्फ हिंदू मुसलमान थे. जी जी. जिस तरफ उनका मंदिर बना हुआ है वो गुरुद्वारा था सिखों का. अच्छा अच्छा. उनके धर्मशाला थे पाकिस्तान बनने से पहले. जी जी. और जब पाकिस्तान आना हिंदू से पहले के गाँव से मुसलमानों ने स्कूल बना दिया था, काफ़ी अच्छा स्कूल है. तो अब हमारा प्लान ये है कि यहाँ से फारिग होने के बाद, खूब सैर तफरी करने के बाद, हम लोग कहाँ जाएंगे? शॉपिंग. तो हम लोग जा रहे हैं कौन से मॉल? सेंचुरी मॉल, विच इज अपेरेंटली इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल. हाँ. उसी मॉल के अंदर होटल भी है, सिनेमा भी है, इट्स मैसिव, और टॉयलेट्स भी हैं जबरदस्त किस्म के जो कि मैं इस्तेमाल करूंगा. यस, चले चलो. I have been on a diet for 2 weeks straight and all I have lost is 14 days. We ordered haleem, gol gappe and chaat from Chacha ji. What is this? Oh my god, this is Balochistan dry fruit merchants. So we just had the Chacha ji chaat and the pani uska gol gappe ka bahut hi bura tha. देखें ये जो है ना ग्रीन, दिस इज द कलर ऑफ आवर फ्लैग. सो तानी जस्ट बॉट मी गजरे. गजरे फूल के बैंगल्स होते हैं जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते उनको मैं बता दूं, और इनसे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है. आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज. और जब पाकिस्तान में किसी के लिए लेते हो, इट मीन्स यू लव देम. सो गाइस, सनसेट अभी हुआ है, मगरिब हो
होने वाली है एंड दिस प्लेस इज मोर पैक्ड देन एवर. अभी पहले हम आए थे दिन के वक्त, इट वाज इन दिस पैक, लेकिन इस वक्त आप रश देख सकते हैं. अगर आप लोग भी फैसल मस्जिद आना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह सादे के टाइम पे आए, या फिर मगरिब के टाइम पे सूरज गुरूब होने से पहले या उसके बिल्कुल फौरन बाद. आई थिंक अगर समर है ना तो मार्बल गेट्स वे टू हॉट. हाँ ये भी तो है फोटोग्राफी के लिए बेस्ट. और इसके पीछे ये मरगला हिल्स तो दिखाओ इंतजार. हाँ ये पूरा मरगला हिल्स है, इधर बहुत सारे बंदर वगैरह रहते हैं जो आते रहते हैं, दे पे अस अ विजिट लाइक दे डिड इन द मॉर्निंग. सो इट्स रियली रियली नाइस. और इस मस्जिद में शादियाँ एंगेजमेंट्स भी बहुत होती है ना, लाइक रिलीजियस थिंग्स. हाँ निकाह होता होगा, शादियाँ तो नहीं होती. हाँ शादी तो नहीं होगी. हाँ निकाह होता होगा. अब क्या करना है, बिरयानी पूरे जाके कहाँ से लंगर की. हाँ कैसी बातें कर रहे हो. हाँ तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि तानी कहाँ जा रहे हैं अकेले. तो भाई मैं अकेले जा रहा हूँ गाड़ी तक, क्योंकि मुझे गाड़ी में सामान रखना है ताकि हम इस्लामाबाद की गलियों को खुदाफिस कहकर एक नए शहर की जाने रुख करें. और ये भी बताएं कि अगला शहर कौन सा होगा बॉस. हाँ तो भाई सब छोड़ो, बम फोड़ो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.